स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल। टुडेज टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा आपको मैंने पहले भी चार वीडियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में बताया। अब केस नंबर 4 करा रही हूँ। व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन एट यूनिफॉर्म क्वार्टरली इंटरवल, कि जब हम एक जैसा पैसा निकाल रहे हैं, जो बिजनेसमैन है बिजनेस में एक जैसा पैसा निकाल रहा है, लेकिन उसका इंटरवल कैसा है? क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? जो 12 मंथ्स होते हैं उसका 1/4, यानी कि 3 मंथ्स 4 बार आते हैं। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर रेगुलर ड्रॉइंग से है। रेगुलर का मतलब होता है कि लगातार निकालना है, और क्वार्टरली इंटरवल का मतलब है हर 3 महीने बाद। अगर हम 4 बार करें, 3 मंथ, इसका मतलब रेगुलर क्वार्टरली इंटरवल के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्वार्टर्स होते कैसे हैं? जैसे अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर हो गया। 3 महीने का होता है क्वार्टर। अब जो है इसके अंदर आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो वही एवरेज पीरियड ही हमें देखना है। इसकी 3 सिचुएशन बता रही हूँ। इन द मिडल में कितना होगा वो बता रही हूँ, इन द मिडल में कितना होता वो बताऊंगी, एट द एंड कितना है वो बताने वाली एवरेज पीरियड। अगर मानो बिजनेस मैन है, बिजनेस में से 5000 रुपीज निकालता है क्वार्टर के, क्वार्टर का मतलब 3 महीने के, तो वो 4 बार निकालेगा ना, तो कितने हो जाएगा? 20,000। यानी कि 5000 × 4 20,000 आ गया अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू, मानो 1% पर अनम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 8/100 इंटू कितने बॉन्ड वैल्यू, वो एवरेज पीरियड ही आपने सीखना है। अब केस 1 मैं ये ले रही हूँ कि इन द बिगनिंग है। मानो इन द बिगनिंग है। बिगनिंग में क्या होता है? फर्स्ट डेट को पैसे विड्रॉ करता है, तो एवरेज पीरियड का फार्मूला आपको आता ही है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। अब पहली बार उसने कब विड्रॉ किया था? 1 अप्रैल को। हमारे अकाउंट ईयर कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को। अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च काउंट करो तो कितने बनते हैं? 12। प्लस लास्ट कब किया बेटा? 1 जन को। 1 जन को किया तो जन फाइव मार्च 3 मंथ्स पड़े हैं, 3/2 15/2, तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 7.5। क्लियर हो गया? दोबारा सुनो कि उसने क्या किया। क्वार्टरली इंटरवल पर पैसे निकालने हैं। अप्रैल से जून एक क्वार्टर, जुलाई से सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जैन से मार्च चौथा क्वार्टर। तो इसने बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर निकाला है, तो उसने अप्रैल 1 को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जैन को निकाले होंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कब की थी बेटा? 1 अप्रैल को। तो कितने महीने पड़े? 12। लास्ट कब की होगी? फोर्थ क्वार्टर की स्टार्टिंग में, यानी कि जैन 1 को, 3 मंथ्स अपॉन 15/2 कितना आ गया? 7.5। अब बात करें मिडल की। मिडल में बेटा क्या होता है? अब आप इस चीज को समझना। मिडल में बेटा अप्रैल और जून के बीच में क्या आता है? कौन सा मंथ आता है? अप्रैल जून 3 मंथ है ना, वैसे देखा जाए तो 3 मंथ का आधा कितना होता है? 1.5 मंथ। अप्रैल और जून के बीच में क्या आएगा? मई। कौन सी मई आएगी? 15 आएगी नेचुरली, 1.5 महीना निकल गया। फिर बात करें जुलाई और सितंबर, इसके बीच में क्या आएगा? 15 अगस्त, ठीक है। अक्टूबर दिसंबर के बीच में क्या आएगा? 15 नवंबर। जैन और मार्च के बीच में बेटा क्या आएगा? 15 फेब। बात मैं किसकी कर रही हूँ? मिडल क्वार्टर का। मिडल मतलब बीच वाला, अप्रैल और जून के बीच में 15 मई आएगा, 1.5 महीना निकल गया। तो जुलाई सितंबर में से 1.5 महीना निकल गया तो 15 अगस्त आ जाएगा, अक्टूबर दिसंबर में 1.5 महीना निकल गया तो 15 नवंबर आ गया, जैन और मार्च के बीच में 1.5 महीना निकल गया तो 15 फेब आ गया। बात करें मिडल में। अब पहली बार उसने कब निकाले? एवरेज पीरियड का फार्मूला आपको पता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग जितने भी निकाले, 6000 5000 है जो भी है वो देखेंगे, फिर क्वेश्चन करवाऊंगी आपको बताती हूँ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग पहली बार कब किया उसने? 15 मई को। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो कितना बन गया आपका? आपका बना मई, तो मार क्या रह गया? आधा रह गया ना मई, तो मई तो हमने आधा लेना है। फिर लेना है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो कितना आ गया? 10.5। प्लस लास्ट कब की होगी? 15 फेब को। फेब तो आधा निकल गया, तो आधा रह गया, मार्च पूरा पड़ा है, 1.5 अपॉन 2,
मतलब बोन टू बेटा मिडल में कितना आ जाएगा 6, आगे मिडल में एवरेज ग्रेड 6/12 लेना है, जैसे बिगिनिंग में 7.5/12 लेना था, है ना, बी जैसे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड आ जाएगा 7.5/12 बिगिनिंग में, मिडल में आ जाएगा 6/12। ये दोबारा सीखो, अप्रैल जून के बीच में 15 में आएगा, इसके बीच में 15 अगस्त आएगा, इसके बीच में 15 नवंबर आएगा, इसके बीच में 15 फरवरी आएगा। अब मिडल ऑफ क्वार्टर बोल रही हूँ मैं, 15 मंथ, पहली बार हमने 15 मई को निकाला होगा, तो आपके अप टू 31 अगस्त 10.5 महीने बच जाएंगे, प्लस लास्ट कब किया होगा 15 फरवरी को, तो 1.5 महीना ही बचेगा 1.5, तो कितना आ गया 12/2 6, तो हमारा आ गया इन द मिडल में 6। अब बात कर रहे हैं एट द एंड। अब एट द एंड का मतलब क्या होता है बेटा, अप्रैल और जून का एंड कब होगा 30 जून को, जुलाई और सितंबर का कब होगा 30 सितंबर को, फिर बात करें अक्टूबर दिसंबर में 31 दिसंबर को, जनवरी और मार्च में 31 मार्च को। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा एक क्वार्टर खत्म हो गया, तो अगर वो विड्रॉ करता चाहे वो 5,000 निकाले, 6,000 निकाले, जितना भी निकाले, वो तो मैं अभी आपको क्वेश्चन में सिखाने ही लगी हूँ, तो हम बात करें एवरेज पीरियड की, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। अब लास्ट डेट को हम निकाल रहे हैं ना हर बार, एंड ऑफ क्वार्टर की बात कर रही हूँ ना मैं, एंड ऑफ क्वार्टर की बात कर रही हूँ ना, 30 जून को जब पैसे निकालेगा कितना टाइम रह जाएगा, जून तो खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। लास्ट ड्रॉइंग ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग कब किया 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 मार्च कितना 0, तो कितना आ जाएगा 4.5, तो याद करना है एंड में कितना लेना है 4.5। क्लियर हो गया, मैं तो दोबारा बता देती हूँ, एंड ऑफ क्वार्टर का मतलब होता है पहला क्वार्टर कब खत्म होगा 30 जून को, दूसरा कब खत्म होगा 30 सितंबर को, तीसरा 31 दिसंबर को, और चौथा 31 मार्च को। तो जो मैंने ये बताया आपको 30 जून, तो हमारा टाइम लैप आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना बन गया 9 मंथ्स बच गए। लास्ट में कब किया बेटा हमने 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 मार्च 0/2 4.5 आ जाएगा, ये एंड ऑफ क्वार्टर। अब बेटा आपको वो जो क्वार्टरली ड्रॉइंग्स के बारे में बोला है, मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से करा रही हूँ, डीके गोयल की बुक का 27 क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर आदित्य एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिस्टर आदित्य का निकालना है, अलग अलग केसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में तीन। पहला है केस वन, इफ ही विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 5,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में निकालता है। केस टू है, इफ ही विड्रॉ ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर में निकालता है। तो केस थ्री, इफ ही विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के मिडल में निकालता है। अब बेटा हम केस वाइज करते जाएंगे, पहले हम लिखेंगे केस वन। केस वन में लिखिए आदित्य ड्रॉइंग्स, कितना विड्रॉ करा है पहले तो आप देखिए, क्वार्टर जो है 4 होते हैं, तो वो विड्रॉ करा है बेटा 5,000, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है तो 5,000 इंटू 4, 4 क्वार्टर होते हैं तो कितना आ गया बेटा 20,000। अभी केस वन ही चल रहा है, हमने इसमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन आदित्यास ड्रॉइंग्स। आपको फार्मूला पता है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब क्वेश्चन में जब हम देखें तो कितना दे रखा हमें, हमें दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो हम क्या निकालेंगे 8% निकाल लेंगे 20,000 इंटू 8/100 इंटू कितने अपॉन 12 आना है ये देखना है, 7.5 आना है, क्योंकि मैंने अभी बताया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। पहली बार ड्रॉइंग हमने कब की होगी, फर्स्ट अप्रैल को, और डेज कितने होंगे, सॉरी मंथ कितने बच जाएंगे 12। लास्ट हमने कब की होगी, फर्स्ट जैन को, तो 3 रह जाएंगे, 12 + 3/2 = 15/2 मैंने बताया था 7.5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7.5। तो हम क्या करेंगे 20,000 इंटू 8/100 इंटू 75/12 इंटू 10 कर सकते हैं, 0.5 को मैंने यहाँ लगा दिया, तो 1,2,3,3 जीरो बच्चे कट हो गई, ठीक है, कितना आ गया ₹1,000, जो कि हम
चार्ज करेंगे अपने पार्टनर से। अब बात करेंगे केस टू की, केस टू लिखिए, केस टू आदित्यास ड्रॉइंग्स उतनी ही आएगी ड्रॉइंग्स, क्योंकि नहीं सॉरी इसमें हमारी जो ड्रॉइंग्स की अमाउंट है वो चेंज है क्वेश्चन में। देखिए 6000 विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टर हमारे चार है तो 6000 × 4 आ जाएगा रुपीज 24000 अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। अब बात करें इंटरेस्ट ऑन आदित्यास ड्रॉइंग इज इक्वल टू, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है 24000 अमाउंट दिया हुआ है ड्रॉइंग्स का, इंटू रेट बेटा 8/100 ही है, इंटू अब इससे कब निकाला है बेटे एंड ऑफ क्वार्टर निकाला है, तो एंड का कितना होता है 4.5/12। अब एंड वाला मैं दोबारा बताती हूँ, जब हमारा क्वार्टर एंड हो जाएगा तो कौन सी डेट आ जाएगी, पहला क्वार्टर एंड होगा 30 जून, टाइम लैप्स कितना रहेगा 9 मंथ, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक, लास्ट कब किया होगा 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च के पास 0/2, तो आंसर आ जाएगा 4.5 ही क्या है, एवरेज पीरियड है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 24000 × 8/100 इंटू 4.5 को मैं 45/10 भी लिख सकती हूँ, 12 तो आना ही है, ये 3 जीरो कट होंगे, रुपीज 720 आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग केस टू में आदित्या से जो हम चार्ज करेंगे। ये कौन सा है, ये एंड ऑफ क्वार्टर बोल रहा है मैंने। अब चले केस थ्री पर, केस थ्री आदित्यास ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखिए बेटा आदित्या ने ड्रॉइंग की है 10000 क्वार्टरली है, 10000 × 4 40000 रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करें इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन आदित्यास ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना 40000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 इंटू कितने अपॉन 12 आना है, क्योंकि उसने मिडल में निकाला है क्वार्टर, कहते हैं 6/12 आएगा। अब आपको मिडल वाला मैं पॉइंट बताती हूँ, जैसे हमारा मिडल कब होगा, अप्रैल और मई के बीच में, सॉरी अप्रैल और जून के बीच में 15 में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जुलाई और सितंबर के बीच में 15 अगस्त, जैसे भी बताया था मैंने। उसके बाद आपका आ जाएगा अक्टूबर और दिसंबर के बीच में 15 नवंबर, और उसके बाद हमारा जैन और मार्च के बीच में 15 फेब आएगा। तो टाइम लैप्स कितना हुआ हमारा, जैसे आपने पहली बार बच्चे कब निकाला होगा, आपने पहली बार निकाला होगा 15 मई को, तो 10.5 महीने रह जाएंगे, है ना, टाइम लैप आफ्टर लास्ट फर्स्ट ड्रॉइंग, लास्ट कब किया होगा आपने 15 फेब, तो कितना रह गया होगा 1.5/2, डेढ़ कैसे 15 फेब से 31 मार्च तक 12/2, तो कितना आ गया बैठे 6, ये तभी मैंने 6 लिखा है। तो अब इसको काउंट कर कैलकुलेट करते हैं 40000, सॉरी अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 0 कट गई, रुपीज 1600। क्लियर होगा बेटा क्वार्टरली ड्रॉइंग्स में क्या किया मैंने, ये निकाला है फर्स्ट केस के अंदर इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, फिर मैंने केस टू में लिया एट द एंड ऑफ क्वार्टर, और केस थ्री के अंदर क्या लिया बेटा एट द मिडल ऑफ क्वार्टर। अब बेटा मैं आपको अगला केस करा रही हूं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, ना ये लास्ट केस है, दो केसेस लास्ट रहेंगे, केस फाइव और केस सिक्स। केस फाइव में क्या है, व्हेन टोटल ड्रॉइंग्स आर गिवन विद पर एनम इंटरेस्ट रेट, पर एनम जो है विद का मतलब क्या है, पर एनम लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग को हम टोटल ड्रॉइंग्स भी कहते हैं, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6/12। हमेशा जब हमें कोई ड्रॉइंग्स दे रखी हो ना, तो अगर पर एनम दिया हुआ है तो क्या करेंगे बेटा 6/12 लेंगे, जो पीरियड है ना वो 6 लेंगे। अगर केस 6 की बात करें कि व्हेन टोटल ड्रॉइंग्स आर गिवन विदाउट पर एनम, जिसके अंदर हमें पर एनम वर्ड है ही नहीं, अभी खुलवाती हूँ क्वेश्चन एक ऐसा, इंटरेस्ट रेट का के आगे लिखा ही हुआ पर एनम, तो फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, इसको हम टोटल ड्रॉइंग्स भी कहते हैं, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, उसमें हमें 6/12 नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया हुआ। बेटा मैं आपको डीके गर्ल की बुक का क्वेश्चन नंबर 31 करा रही हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग्स,
केस वन, इफ ही विड्रॉ रुपीज 60,000 ऑन 1st अक्टूबर 2015 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 8% पर एनम, ये पूरे साल का हमने लेना है, हमने 60,000 का 8% जब पर एनम आ गया तो इनटू 6/12 होगा। और केस टू में क्या है, इफ ही हैड विड्रॉन रुपीज 60,000 ऑन 1st अक्टूबर 2015 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 8%, इसके आगे पर एनम नहीं दिया तो 60,000 का सीधा ही हम 8% ले लेंगे। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च 2016। बेटा अब इसको समझो, इसका सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है, केस वन, केस वन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू, आपको पता है ना अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आता है क्वेश्चन के अंदर बच्चे, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स दे रखी है हमें 60,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है बेटा 8% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है, पर एनम है तो कितना हो जाएगा, पर एनम है 6/12 तो 2400 रुपीज का हमारा रेट ऑफ, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया जो कि हमने पार्टनर से चार्ज किया है। अब करें केस टू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फार्मूला मैंने अभी बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। बस अब इसके अंदर उसने 60,000 ही विड्रॉ किए हैं, पर एनम वर्ड नहीं लगा हुआ तो 8/100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 4800। क्लियर हो गया कि जब पर एनम वर्ड आता है तब तक हमने क्या करना है, 6/12 करना है, और जब हमारा पर एनम वर्ड नहीं आता तो सीधा ही हमने उसका जो परसेंटेज दिया 5% दिया 5% कर देंगे, 6% है 6%, जितने परसेंट होगा, इस क्वेश्चन में 8% है तो हमने 8% कर दिया। बेटा अभी तक जितनी भी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वीडियोस बनाई है उसके अंदर मैंने अलग अलग केसेस कराए थे, जब इरेगुलर ड्रॉइंग्स होती है तो हम सिंपल और एवरेज मेथड में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर, सॉरी सिंपल मेथड और प्रोडक्ट में से कोई भी मेथड अडॉप्ट करें, हमारा आंसर सेम आता है। बात करी फिर हमने केस टू, जब रेगुलर इंटरवल होता है मंथली ड्रॉइंग की मैंने फॉर 12 मंथ्स, फिर एक वीडियो में मैंने बोला था मंथली ड्रॉइंग फॉर 6 मंथ, मंथली ड्रॉइंग फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। फिर मैंने अभी क्या करवाया था, उससे पिछली उससे अगली वीडियो में मैंने कराया था आपको मंथली ड्रॉइंग फॉर 3 मंथ्स, फिर मैंने कराया आपको क्वार्टरली ड्रॉइंग्स, अब इसमें क्या क्वार्टरली ड्रॉइंग्स के बाद मैंने आपको क्या कराया बेटा, विदाउट पर एनम और विद पर एनम करवाया, तो यही सारे इंटरेस्ट ड्रॉइंग को निकालने के केसेस हैं। पर मैं आपको अब पूरा टेबल दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है, वो आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, सेट विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।